Hey guys, welcome to my channel. आप लोग देख रहे हैं पार्टी में आप लोगों का दोस्त पार्टी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग मेरी तरह मैं कैसे वीडियो को एडिट करता हूँ, वैसे आप लोग वीडियो को एडिट करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वीडियो को लाइक करके बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को काइनमिस्ट का मोड एप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि अगर आप लोग प्ले स्टोर से काइनमिस्ट का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को काइनमिस्ट का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप उसमें वीडियो को एडिट करते हो तो आपका जो वीडियो है वो बहुत ही लो क्वालिटी का लगेगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो काइनमास्टर का लोगो और सब लोग समझ जाएंगे आप लोग किससे एडिट करते हैं। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर का मोड एपीके का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जब काइनमास्टर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर साइड में जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये सब मेरा जो वीडियो है वो एडिट किया हुआ है या फिर एडिट कर रहा हूँ ऐसे रखा हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस वाला जो आइकन है इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे रेजोल्यूशन दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो मैं पोर्ट्रेट में क्या हुआ हूँ या फिर लैंडस्केप में क्या हुआ हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा अभी जो वीडियो है वो लैंडस्केप में है, इसलिए मैं 16:9 का रेजोल्यूशन सिलेक्ट करूँगा। आपका वीडियो जिस ओए में है आप लोग वैसे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वो वीडियो इंपोर्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम अपना जो वीडियो है वो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर से अब हमें यहाँ पर बैक वाला स्विच मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बताऊँगा कैसे आप लोग जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई वेस्ट पार्ट है वो यहाँ से आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं, सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ गाइज, इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल बनाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो जैसा कि मैंने अपने कैमरे में शूट किया हुआ है वैसे आप लोग को शूट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर प्ले करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कैसा क्या तो देखा आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर अभी सब्सक्राइब का बात बोला तो यहाँ पर मुझे अभी सब्सक्राइब का जो बटन है वो लगाना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं देख सकती हूँ यहाँ पर लेयर में जाना है, मेरे जो सब्सक्राइब का बटन है वो मैंने बना के रखा है। अगर आप लोगों का सब्सक्राइब का बटन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपना जो वीडियो है वो यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने अपने चैन के ऊपर बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉरी लोगों बताना भूल गया, तो इसको साइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाले को, मैंने ग्रीन स्किन है इसको ग्रीन स्किन बोलते हैं, तो इसको यहाँ पर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस ग्रीन स्किन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्रोमा की का एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग इसको एनेबल करते हो तो ये ग्रीन स्किन जो है हट जाता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से हम लोग बैक कर देंगे। तो अब इसको प्ले करके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेट करना पड़ेगा, जहाँ पर इसको सब्सक्राइब बोल रहा है बगल में बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेट करने के बाद एक बार फिर से चला के देख लेता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारा जो सब्सक्राइब का बटन लग चुका है और ये देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। तो ये कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को ये बटन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोले, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा और आप सबको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ गलती की, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको कट भी कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, जितना मुझे छोटा चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लोगों ने सोचा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा बैक कर लिया, मुझे फिर से वो वाला हिस्सा चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी हिस्सा है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करके भी हम इसको, मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, इसको हम इस तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हिस्सा आएगा वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन एक बार ठीक से चेक कर लेता हूँ, कहीं गोल मेल ना चाहते हो। अगर आप लोग मैच से बड़े हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो। तो यहाँ पर कुछ गोलमाल हो जाता है जब हम इसको कर लेते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस, इसको थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा, गाइस हमें ग्रीन स्क्रीन को मुझे लगता है यहाँ पर नहीं ठीक हो रहा है, तो इसको हम साइड भी कर सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैक का स्विच है, यहाँ से आप लोग बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे कट नहीं हो रहा, तो अब लोग यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर राय आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को कट चाहिए, बाकी का हिस्सा चाहिए नहीं या फिर कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप लोग सीजर पे जाना, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करेंगे तो बाकी का जो हिस्सा है वो आप लोगों को लास्ट एंड हो जाएगा, यहाँ पर बैक करने से वो हिस्सा आ जाएगा वापस, ठीक है। और अगर आप यहाँ से चाहते हैं स्प्लिट करना, मतलब दो हिस्सों में बट जाए, तो इसको कहते हैं स्प्लिट एट प्ले हेड। तो इसको आप लोग करने से ये दो वाला दो हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब लगता है यहाँ पर जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो आप लोगों को नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सीजर में जाकर ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड करके भी काट सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सब कर लेना, तो मैंने इसको जोड़ भी लिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैक का बटन है और यहाँ पर बैक के नीचे का भी बटन है। आप लोग यहाँ पर दो बटन दिखाई दे रहे हैं, इस दो बटन की मदद से आप लोग वीडियो को आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मतलब वीडियो का जो पोजीशन है वो आप लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऐसा दिखा दिया। आप लोग यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आता है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कुछ नहीं बोला या फिर आप लोग फर्स्ट में वीडियो बना लिया उसके बाद आप लोग वॉइस ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग कहाँ से वॉइस ऐड करोगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे एक वॉइस का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, इसके ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब इस जो वॉइस है यहाँ पर आ जाएगा, जैसा मैं यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो वीडियो का साउंड है वो बहुत ही लो आ रहा है, तो इसके ऊपर जो वॉइस मैंने अभी क्रिएट किया इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर साउंड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से इसका जो साउंड है 100 था इसको 200 कर देता हूँ और कंप्रेस को यहाँ पर कंप्रेसर को मैं फुल कर देता हूँ, तो मेरा जो साउंड आएगा यहाँ पर वीडियो में जहाँ जितना साउंड था उससे ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हाई बोल के दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने से पहले यहाँ पर दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ट्रिम और स्प्लिट हेड का भी ऑप्शन मिलता है, आप लोग जितना चाहो इसको स्प्लिट कर सकते हो या फिर काट सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मुझे इसकी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे वीडियो का साउंड भी बढ़ाना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर वीडियो का जो है साउंड यहाँ से बढ़ा देता हूँ। आप लोगों को मैंने अभी जैसा दिखाया वैसे आप लोग वीडियो का साउंड बढ़ा सकते, ठीक है। तो मुझे अभी लगता है तो यहाँ पर लाइक का जो बटन है वो यहाँ पर लगाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा प्ले करके लाइक का बटन लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर मैंने जब लाइक का बात किया तो यहाँ पर लेयर में जाकर मेरा जो वीडियो है लाइक का, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और वो वीडियो मैं छोटा कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। और यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को जितना सिखाया, ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर
मतलब क्रोमा की का जो ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ग्रीन स्क्रीन ऐसा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना, तो ये पर सब यहाँ पर सारे ऑप्शन है जो आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमा की का जो ऑप्शन है यहाँ से आप लोग जस्ट एनेबल कर देना, तो यहाँ पर आप लोगों का काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग देखा ये एनिमेशन बहुत ही दिखने में कूल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग का जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर सेटिंग में जाना है और यहाँ पर ऑडियो फेड आउट का ऑप्शन जो है इसको बंद कर देना है। ये ऑन होने से क्या होता है, इसको ऑन होने से ऐसा होता है कि हमारा जो साउंड है फुल लास्ट में जाकर स्लो हो जाता है, मैंने मतलब लो हो जाता है, तो ये दिखने में बहुत ही घटिया लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक गाने का सॉन्ग है, यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक लाना चाहते हैं या फिर कोई सॉन्ग लाना चाहते हैं, तो ऑडियो में जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आपके फ़ोन में जो भी ऑडियो लगा हुआ होगा तो वो ऑडियो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर प्ले करके भी सुन सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जैसे आप सुन सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ जहाँ तक है ये वीडियो, यहाँ पर ट्रिम और स्प्लिट हेड में जाके इसको काट देता हूँ। सभी में एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्ले करके दिखता हूँ, तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा होगा, म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, इसको नो कॉपीराइट साउंड बोलते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि मुझे नो कॉपीराइट साउंड के बारे में जानना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इतना तो बता दिया, अब और बताने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको हाई लिखना है, हाई फ्रेंड्स और हाई, तो यहाँ पर लेयर में जाने के बाद आप लोगों को बस बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना फ़ोन से टाइप कर लेना हाई, तो आप यहाँ पर हाई को आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जिस साइड में चाहे उस साइड में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल ए का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं जल्दी में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं, आप लोग बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर इसको पर क्लिक करने से ही आपका जो आपने जो हाई लिखा वो इस टाइप का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखिए आप लोगों का मैंने जो हाई लिखा ये उस टाइप का हो गया। अगर आप लोगों इसको पर कलर चाहिए तो यहाँ पर एक कलर का जो ऑप्शन मिल रहा हो, तो मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों का सफ़ेद है इसको पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोग जो कलर चाहे, मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, यहाँ पर रेड हो जाता है जैसे आप लोग देख रहे। अगर इसके ऊपर आप लोगों को एनिमेशन चाहिए, मेरा मतलब इसको आने का और जाने का एनिमेशन चाहिए, तो यहाँ पर इन एनिमेशन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन आप लोगों को दिखाई देंगे, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते, जैसे ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा या ऐसे का, आपकी मर्जी आप लोग कैसे लाना चाहिए। यहाँ पर नीचे ड्यूरेशन, इसको ड्यूरेशन बोलते हैं, ये कितना फास्ट आएगा और कितना स्लो आएगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं मैंने इसका जो ड्यूरेशन है जितना कम किया ये उतना स्लो आ रहा है, और जितना फास्ट किया मैं मतलब जितना कम किया उतना फास्ट आ रहा है, और जितना ज़्यादा किया उतना कम आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर इसको फास्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक बैक का स्विच है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कहाँ गया मेरा ब्रश। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये चला गया, गलती से चला गया, तो यहाँ पर मैं हाई के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो ये फिर से ये टैब सारा जो है ओपन होके आ जाएगा। तो अगर मुझे बीच में एनिमेशन चाहिए, ये फर्स्ट आया उसके बाद एनिमेशन होता रहेगा और जाने के समय भी एनिमेशन होगा, तो यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके आप लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा तो ये वाला रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बैक वाला स्विच आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, इसके ऊपर क्लिक करने से आप लोग इसी में रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में एनिमेशन देना है, तो यहाँ पर आउट एनिमेशन के ऊपर जाके आप लोग कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। यहाँ पर इसका ड्यूरेशन टाइम भी आप लोग सिलेक्ट कर ले सकते हैं, तो मुझे इसका ड्यूरेशन जो टाइम है वो बहुत फास्ट चाहिए, तो मैंने इसका ऐसा कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आउट एनिमेशन से निकाल कर आप लोग अगर इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से ऐसा रोटेट कर सकते हैं,
सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ हो गया, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को जितना रोटेट करना है उतना रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ग्लो करना चाहते हैं तो इसका जो हाईलाइट है वो ग्लो हो जाएगा, और अगर आप इसका आउटलाइन जो है वो ग्लो करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर बैकग्राउंड का कोई कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड का जो है कलर वो आ जाएगा। यहाँ पर इसको जस्ट ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद इसका बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा। ये दिखने में बहुत अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसको एनेबल करता हूँ उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ये पूरा हो जाएगा, तो मुझे ये दोनों ऑप्शन बेकार लगा। ब्लेंडिंग में जाकर आप लोग कैसे चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा ब्लेंडिंग में जो है वो वही रहने दे, क्योंकि ये कुछ और ऑप्शन के लिए है। तो ये आप लोग डार्क देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये किया तो ये इस हाई के लिए नहीं है, कुछ और के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल था, नॉर्मल मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यह हाई को यहाँ पर कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हाई की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना एडिट किया करना था उतना कर लिया। यहाँ पर लेयर में जाकर अगर आप लोगों को इफ़ेक्ट्स देना पड़ेगा तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट जो है डाउनलोड करके रखा है। अगर आप लोगों के पास इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पर गेट मोर पर क्लिक करना है और बहुत सारे इफेक्ट जो है आ जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से किसी भी इफेक्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर बेसिक इफेक्ट सबको मिलता है, तो इससे क्या होता है हमारा जो ब्लरनेस है वो दिखाई देता है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जो है इफेक्ट मिल जाते हैं, आप लोगों को जितना जो इफेक्ट पसंद आए वो दे सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है। जितना पसंद है उतना दे सकते हैं, तो ये भी देख सकते हैं। मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं आया तो मैं इस आप लोग इस इफेक्ट के ऊपर भी कारीगरी कर सकते हैं, इसको आप लोग कट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग यहाँ पर भी इसका जो इन एनिमेशन है, आउट एनिमेशन है और अंदर का भी एनिमेशन है वो यहाँ पर से आप लोग कर सकते हैं। और मुझे इसके अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो गाइज आपको अभी कुछ सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर में जाने के बाद अब लोग ओवरले का जो है बाद में बताता हूँ, और हैंड राइटिंग का जो है मैं इन दोनों को बाद में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोटो जो है ले लिया, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप लोग एक फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक फ़ोटो आप लोगों को चूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये लाइक का जो बटन है इसको चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर लाइक है, ठीक है। इसको आप रोटेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आप लोग साइड में जैसा आप लोग दिखाई देता है आप लोग के यूट्यूब वीडियो में, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर साइड में वीडियो चल रहा है या फिर इमेज आ रहा है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इमेज यहाँ पर इमेज के ऊपर भी आप लोग एनिमेशन लगा सकते हैं, अगर इमेज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर क्रॉप में जाके यहाँ पर आप लोग क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट इस मास्क को ऑन कर दीजिएगा और यहाँ पर शेप हो जाएगा, तो शेप में जाकर बहुत सारे शेप आप लोगों को मिलते हैं, आप लोग जो चाहे शेप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये शेप लिया और इसको थोड़ा छोटा कर दिया। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर एक चाबी का आइकन है, इसका जो है क्या है, मैंने इसका सेटिंग का क्या है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस चाबी के ऊपर आप लोग क्लिक करके इसको यहाँ से हटा हटा के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा और स्लाइड करेंगे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर आप स्लाइड करेंगे, यहाँ पर इसको भी स्लाइड करके प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे करेंगे इसको और स्लाइड करके प्लस करके, यहाँ पर थोड़ा और स्लाइड करके इसके ऊपर यहाँ से कर लेता हूँ, और यहाँ पर सीजर में जाके ट्रिम टू लाइट ऑफ प्ले हेड करके इसको काट देता हूँ। तो ये जब प्ले होगा तो यहाँ से ये हिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बस ये ऐसा हिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोग एनिमेशन जो है लगा सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मैंने जो वीडियो बनाया है उसका मेरा जो फिल्टर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से कलर फिल्टर में जाता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग कोई भी सिलेक्ट
तो गाइज यहाँ पर से आप लोग कोई भी फिल्टर जो है चूज कर लगते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई फिल्टर पसंद नहीं आया तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मल फिल्टर कर सकते हैं। और अगर इस फिल्टर में भी आप लोगों को और ब्राइटनेस चाहिए तो यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पर आप लोग सब कुछ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर घटा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आप लोगों का जो क्वालिटी है वो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप लोग यहाँ से इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं कैसा लगेगा। मैं आपको राय दूंगा, अगर आप लोगों को करना नहीं आता तो बहुत प्रैक्टिस के बाद ही करें, यहाँ पर इसको ज़ीरो रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। यहाँ पर वॉइस इन्वेलपर का क्या बोलते हैं इसको, इससे क्या होता है, तो इसको पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे इसमें भी वैसा ही एक क्वालिटी है, मैंने आप लोगों को जो बताया। इसको मुझे अभी लाइक की ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेयर में जाके हैंडराइटिंग में जाता हूँ, यहाँ से आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर गोल सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ इससे क्या होता है। यहाँ पर आप लोग जब भी वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर कुछ जो वीडियो होता है तो उसमें कुछ मार्क करके दिखाया जाता है, तो यहाँ पर यही होता है। इस मार्क को आप लोग इस मार्क के ऊपर क्लिक करने से भी वही सारा जो है ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आप लोग जितना चाहे उतना कट करके रख सकते हैं। तो ये था कुछ टिप्स। ठीक है, तो मैं अगर इसके बारे में सारे डिटेल्स बताने जाऊंगा तो घंटों पे घंटे लग जाएंगे, तो शॉर्ट में बता दिया। ये अगर आप लोग को पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग बहुत फोर्स करेंगे तो मैं आप लोगों को पार्ट टू ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैंने अभी वीडियो जो बना लिया तो अभी इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैं मतलब सेव कैसे करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप लोगों को शेयर का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करने से आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन मिल जाएंगे, यहाँ पर भी रेजोल्यूशन मिलेंगे और फ्रेम रेट मिलेंगे। तो मैं इसको हाई क्वालिटी में कर देता हूँ और इसको लो कर देता हूँ ताकि हमारा जो स्पेस है वो कम खाए। इसको एक्सपोर्ट करने पर क्या होगा, एक्सपोर्ट करने पर कुछ ऐसा जो है हमारे सामने इमेज आएगा। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ ही देर में हमारा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होके रेडी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे अभी नहीं गुड बाय हो रहा हूँ, वीडियो को प्ले करके एक बार दिखा भी दूंगा, रुक जाओ भाई। तो ये वीडियो हमारा जो प्ले होने के अभी रेडी हो गया, तो यहाँ पर प्ले बटन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अपना खोल लेता हूँ। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल, आप लोग देख रहे हैं में आप लोगों का दोस्त पाल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे से बड़े हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग मेरी तरह मैं कैसे वीडियो को एडिट करता हूं, वैसे आप लोग वीडियो को एडिट करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वीडियो को लाइक करके जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो बहुत ही कूल बनना बन चुका है, और आपका स्पेस घटाने के लिए यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जब एक्सपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो को जोर से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।